are tropical cyclones. They are number one cyclic rotations with low pressure at the center. एक आपको चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है. Let me draw it over here. जब भी आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ना है तो ये साइक्लिकल रोटेशंस होंगी, चक्रवात होंगे, जिसको आप हिंदी में चक्रवात बोलते हो, ठीक है ना. तो चक्रवात मतलब एक सर्कल में होंगे मूवमेंट, ठीक है ना. और ये सर्कल में जो मूवमेंट हो रही है ये, सॉरी, ठीक है, ये जो सर्कल में मूवमेंट हो रही है ये एक कॉमन सेंटर के अराउंड हो रही है, ठीक है ना. ये जो सेंटर है ये आपका हमेशा लो प्रेशर पे रहेगा. क्या लगेगा? लो प्रेशर पे रहेगा. और ये जमीनी सतह पे, हम सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो सरफेस पे लो सेंटर रहेगा, ठीक है ना. और लो सेंटर के अराउंड कर्व कर्व होती हुई हवा आपको देखने को मिलेगी. अगर आप नदरन सेक्शन में हो, नदरन हेमिस्फीयर में हो, हमारे यहाँ पे हो, तो आपको ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलती दिखेगी, ठीक है. और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो यही चक्रवात आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते दिखाई देंगे, ठीक है. लग गया समझ? और ये चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं अपर और लोअर, सॉरी नदरन और सदरन हेमिस्फीयर में? इसका एक मेन रीजन हम कल पढ़ के आए थे, कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है. और ये पढ़ेंगे हम क्या करता है, कैसे करता है, इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. आज ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके. दूसरी बात, ये तो साइक्लिकल रोटेशंस होती है, बीच में कॉमन सेंटर होता है जो लो प्रेशर सेंटर होता है. अगर ये लो प्रेशर सेंटर नहीं होगा तो कोई भी स्टॉर्म बन नहीं सकता है, कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता है. तो पहली चीज क्या नेसेसरी है? हमेशा लो सेंटर में, बीच में होना, ठीक है जी. दूसरा, अब जब ये बन गया है तो इसके कारणवश क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आप जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का आप नाम समझते हो, हाउ दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब बहुत सारी टर्म्स होती हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल डिप्रेशन, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल सर्जेस, ठीक है ना, या साइक्लोस्टॉर्म्स, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं. थोड़ा थोड़ा महीन अंतर है इनमें, ठीक है ना. वो आज ही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनमें अंतर है. बट जैसे ही आप ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम लेते हो, सबसे पहले आपके पास आना चाहिए कि वायलेंट विंड्स, स्क्वाल्स जिसको बोलते हैं, बहुत ही तेज चलती हुई हवाएं. कल आप अगर जलंधर में हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हवा चल, कल काफी अच्छी हवा, काफी अंधेरी भी, आंधी भी चली थी थोड़ा टाइम के लिए. ये वायलेंट विंड नहीं है, ये तो फिर भी लो क्वालिटी विंड्स है, मतलब लोकल विंड्स है. लेकिन जैसे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, बहुत ही हाई स्पीड की विंड्स आएंगी आपके पास, ग्रेटर देन 70-90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऊपर की विंड्स आनी शुरू होगी आपके पास. तो हम उनको बोलेंगे, नंबर वन करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वायलेंट विंड, जिसको आप स्क्वाल्स भी बोलते हो, ठीक है. सेकंड इज टोरेंशियल रेनफॉल. टोरेंशियल मतलब बहुत ही भारी मात्रा में, कम, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होना एक जगह पे, ठीक है ना. तो बहुत ही कम टाइम पे बहुत, जब ज्यादा भारी वर्षा होएगी तो पानी, बहुत पानी नदियों की तरह जैसे बहता है, तो इसको हम बोलते हैं टोरेंशियल रेनफॉल. तो सेकंड इंपैक्ट क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का? टोरेंशियल रेनफॉल. एंड थर्ड इज स्टॉर्म सर्जेस. व्हाट आर स्टॉर्म सर्जेस? आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही चक्रवात के आने की खबर मिलती है आपको, है ना, तो आपने देखा होगा, विजुअल्स भी देखे हुए के टीवी पे, कि वो जो लहरें हैं उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है ना. तो जो नॉर्मल 1 या 2 मीटर की ऊपर से ज्यादा लहरें नहीं होती हैं, वो 10-10 मीटर तक की लहरें आ जाती हैं, या 7-7-8-8 मीटर तक की लहरें आ जाती हैं अंदर तक, उसके कारण फ्लडिंग हो जाती है. आपने कभी ये सुना होगा. तो ये हवा के चलने के कारण, इतनी तेज आपकी वायलेंट विंड्स चल रही है, उनके कारण जो स्टॉर्म आता है हम उसको बोलते हैं स्टॉर्म सर्जेस, ठीक है जी. गुड. एंड दिस विल फर्दर कॉज फ्लडिंग ऑफ या इनंडेशंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज को ये बर्बाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. अच्छा जी, ठीक है, ओके, डन. ओके, तो अगर आपको कोई सोल्यूशन पूछता है भाई, व्हाट इज अ नेचुरल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर दैट?
वेटलैंड्स बनाओ भैया जी, वेटलैंड्स भी कौन से बनाओ, मैनग्रोव फॉरेस्ट लगाओ वहां पे, मैनग्रोव फॉरेस्ट लगाओगे तो आपको पता है मार्शी लैंड्स होंगी, एस्टुरीज बनाओगे, प्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन फीचर्स होते हैं, ये आपका नेचुरल प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। गुड, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने बात कर रही है, ठीक है आगे चलते हैं। We have done this thing. If you want to take picture, you can take picture of this. Let me clear this up for you guys. Okay. Next, we move on to what are the different characteristics of tropical cyclone? क्या-क्या characteristic होते हैं tropical cyclone के? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये anti-clockwise चलेंगे northern hemisphere में, ठीक है? Cyclones. ठीक है, चक्रवात जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इन सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में ये क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये क्या याद रखने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये लो प्रेशर सेंटर है, फॉरगेट अबाउट दिस, इसको मत देखो अभी, इसको देखो सिर्फ, है ना। तो ये क्या है, लो प्रेशर सेंटर है ना, लो प्रेशर सेंटर है, तो लो प्रेशर सेंटर के पास हवा नीचे से आ रही है और ऊपर को जा रही है ना, यही समझ रहे हो ना, नीचे से आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तभी तो ये लो प्रेशर सेंटर है ना। बट नॉर्मली जब बहुत ज्यादा ये डिप्रेशन है, इसको आप साइक्लोन नहीं बोलोगे, डिप्रेशन बोलोगे। साइक्लोन कब ये तब्दील हो जाएगा, जब ये 980 के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, 980 मिली बार्स प्रेशर के जब ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये अभी ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, मतलब इतना ज्यादा इसका जो, अगर आप देखो ये 1012 पे आई, ठीक है ना, और जो हाई वाला वो 1028 पे है, है ना। तो प्रेशर डॉट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 14 या 16 मिलीबार प्रेशर का डिफरेंस है। जैसे ये 980 के नीचे जाएगा, तब हम बोलना शुरू हो जाएंगे ये कैटेगरी 1 हरिकेन है, ये कैटेगरी 1 साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो हमने कैटेगराइजेशन की हुई है कि तीव्रता के हिसाब से। अभी के लिए ये समझ लो कि सपोज ये 912 नहीं है, 980 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस। ओके, माइंड माई ड्रॉइंग, ओके, इतनी बढ़िया नहीं होगी ड्रॉइंग। Let me draw it for you guys. So, let me say, हमें अभी पता नहीं है हम नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं। तो एक चक्रवात होगा, ये आप सबको पता है, ठीक है। ये लो सेंटर में होगा, यानी बहुत ज्यादा लो होगा ये प्रेशर यहाँ पे। तो सपोज यानी कि यहाँ पे लो है तो कहीं पे तो हाई होगा, तो सपोज ये हाई है, यानी कि यहाँ पे भी हाई है, यानी कि यहाँ पे भी हाई है, यानी कि यहाँ पे भी हाई है। कहने का क्या मतलब है, सपोज एक हवा आ रही है यहां से, हाई टू लो आ रही है हवा, ठीक है, सरफेस पे। नाउ यू नो कि जैसे ही ये हाई टू लो आएगी, ठीक है ना, या जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हाई टू लो आएगी नीचे को, ये नदरन हेमिस्फीयर में अभी, तो ये किस तरफ बेंड करेगी, इट विल बेंड टुवार्ड्स दी राइट साइड। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़े हो, तो आपका राइट साइड कौन सा होगा, P या Q, ये बताइए मेरे को, P की तरफ या Q की तरफ, P की तरफ, इट्स ऑब्वियस है ना। तो ये आपका रहा, ठीक है, तो आपकी हवा इस तरफ को जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहां पे खड़े हो तो किधर जाएगी, A या B, ये बताइए, गुड, ए की तरफ जाएगी। अगर आप यहां पे खड़े हो तब किधर जाएगी, ए या बी, दिस इज ए या दिस इज बी, जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू गाइस, ओके। तो इसका मतलब ये यहां से आएगी, गुड, मेक सेंस। तो आपको कौन सा लग रहा है, किस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस तरह से नहीं चल रहा है ये पैटर्न, इस तरह से नहीं चल रहा आपको, तो कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो कोरियोलिस फोर्स का समझ लग गई बात आपको, फायदा लग गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज ड्रा अगर आपको कंफ्यूजन लगे कभी।
तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो. तो साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और सदर्न में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज. अच्छा, ये तो हो गया कि लो प्रेशर सेंटर है. तो यहाँ पे दूसरा एक चक्रवात होता है, जो दूसरा चक्रवात भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, जो हाई प्रेशर होता है सेंटर में, इसको हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन, ठीक है ना, एंटी साइक्लोन, ठीक है. तो एंटी साइक्लोन को हमेशा जब भी आपको दर्शाना है, ये हमेशा हवा बाहर निकालेगा, ठीक है ना, गुड, मेक सेंस. जो लो प्रेशर सेंटर है वो हमेशा अंदर को हवा खींचेगा, इसको इस तरह से बताना है, मेक सेंस. इसके अंदर हवा आ रही है और वहां से हवा बाहर जा रही है, यू मेक सेंस ना. तो इसको हम जहां पे हाई प्रेशर सेंटर होगा, हम इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन. अब आपको पता होना चाहिए कि एंटी साइक्लोन क्यों जरूरी है. अगर एंटी साइक्लोन नहीं होगा तो आपका साइक्लोन नहीं बनेगा, इतना ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है ना. आज ही हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है जी. तो ये समझ लग गई अभी क्यों डायरेक्शन में मूवमेंट चेंज होएगी, ठीक है जी. अच्छा, आगे चलते हैं हम फिर. तो ये आपको बात समझ लगी, ठीक है ना. द साइक्लोन्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटी साइक्लोन बिटवीन टू साइक्लोन्स. टू तो रहने दो, अभी हम एक की बात करते हैं. तो ये डायग्राम समय लग रहा है, दिस इज सपोज दिस इज साइक्लोन एंड दिस इज एंटी साइक्लोन, ठीक है. तो हवा एंटी साइक्लोन, ये नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं, तो किस तरह डायरेक्शन से मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से. इधर किस डायरेक्शन से मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से. तो अगर आप इस ध्यान से इस चीज को देख पा रहे हो, तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो ये जैसे पंखा चल रहा है, तो ये हवा अपनी कहाँ दे रहा है, लो प्रेशर सेंटर की तरफ. और लो प्रेशर सेंटर हमेशा हवा क्या कर रहा है, अंदर खींच रहा है, नीचे खींच के ऊपर खींच रहा है, गुड, मेक सेंस. तो एक साइक्लोन को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए सबसे जरूरी आवश्यक चीज क्या है, नंबर एक, एक लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, ठीक है जी. दूसरी सबसे जरूरी चीज, साथ में एक एंटी साइक्लोन होना चाहिए जो कि उसको हवा दे. अगर हवा नहीं दोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेगा, सीधी सी बात. तो हाई प्रेशर सेंटर भी होना चाहिए, जिसको आपने नाम दिया एंटी साइक्लोन. ग्रेट, अप टिल नाउ समय लग रहा है. लेट मी रिमूव दिस एंड यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ इट. अभी तक क्लियर है बच्चों? ओके, गुड. तो हमने ये भी करैक्टरिस्टिक्स कर लिए इसके, वेयर इट इज, सॉरी, दिस इज करैक्टरिस्टिक्स. तो वी हैव डन दिस करैक्टरिस्टिक्स एज वेल. नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर अराउंड इक्वेटर एट 5 डिग्री टू 30 डिग्री, बट आल्सो हैव वेरिंग नेम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द वर्ल्ड दे आर फॉर्मड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना. यहाँ पे ध्यान से अगर आपने देखा होगा कि इक्वेटर तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपने सर 5 डिग्री क्यों लिखा है, तो इसका भी बेटा रीजन है, हम बाद में बात करेंगे अभी. लेकिन इक्वेटर पे नहीं, हमने बोला कि 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ये मैक्सिमली फाउंड होते हैं. और पहले जब हम डिवीजन कर ही ले रहे हैं इसकी, तो लेट अस स्टार्ट डिवाइडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, या साइक्लोन जितने भी होते हैं, वो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं साइक्लोन. दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक का नाम रखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक का नाम रखा है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है ना. और ट्रॉपिकल में ही हम इंक्लूड करते हैं सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है ना, क्योंकि 30 डिग्री हमने यहां पे डाल दिया ना. देखो यहां पे लिखा ना 5 टू 30 डिग्री, तो हमने सब ट्रॉपिकल इसी के अंडर ऐड समझ लेने हैं. जो टेम्परेट होते हैं ये 30 डिग्री से अबव होते हैं, गुड, मेक सेंस. जितने भी साइक्लोन दैट इज अबव 30, 35 डिग्री, दे आर नोन एज टेम्परेट साइक्लोन.
ऑप्शंस. ओके गुड, मेक सेंस. अच्छा अब हम पढ़ रहे थे, अच्छा 5 to 33. नाउ व्हाई ए क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नॉट 0 degree? 0 to 30 क्यों नहीं लिखा जी? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या लगता है आपको 0 क्यों नहीं लिखा होगा? देखिए देखिए, साइक्लोन बनने के लिए मैंने आपको बताया अभी तक 2-3 चीजें बताई. लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, हाई प्रेशर सेंटर होना चाहिए, साइक्लोन होना चाहिए, एंटी साइक्लोन होना चाहिए. थर्ड चीज, कोरियोलिस फोर्स को फॉलो होनी चाहिए. ठीक है, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होनी चाहिए. ओके, तो अगर आप कोरियोलिस फोर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो, लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइस. ओके, यस, वेरी गुड. दिस इज इक्वेटर. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से सुनो. यस, डोल्ड्रम्स कंसेप्ट है, बट डू यू नॉट व्हाई डोल्ड्रम्स, क्यों, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इक्वेटर पे कम है? इक्वेटर पे क्या कम है? वीक एट, अच्छा कोरियोलिस फोर्स वीक है, वेरी गुड. यू शुड नो कि जो आपने देखा था कोरियोलिस फोर्स क्या बेंडिंग फोर्स है, जो नीचे वाला एरिया, जो इक्वेटर वाला एरिया, देखो एक इक्वेटर वाला और ये टॉप वाला एरिया, जो इक्वेटर वाला एरिया वो ज्यादा तेजी से घूम रहा है, ऊपर वाला एरिया थोड़ा आसानी से मतलब स्लो घूम रहा है कंपेरेटिवली टू इक्वेटर एरिया. तो अगर मैं 0 degree से बात कर रहा हूँ, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree तक इक्वेटर तक, तो अभी वहां पे इतनी ज्यादा दूरी नहीं है इक्वेटर से, जब जहां तक कि वो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा एक्ट कर सके. और हमने कल ही पढ़ के आया कि कोरियोलिस फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोलर एरिया. ठीक है ना, तो अभी नीचे वाला एरिया इतना ज्यादा घूम नहीं रहा है कि उसमें डिफरेंस आए. 5 degree के बाद ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो जाता है और उसके बाद चक्रवात आने स्टार्ट होते हैं. ठीक है जी, 5 degree के बाद, और ये 30 degree तक आते रहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के दायरे में. ठीक है जी, ये समझ लगी 5 degree क्यों आया. अच्छा, नॉर्मली जो है 10 to 20 degree तक मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं. 65% ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे अकर इन दिस रेंज. ठीक है जी, ओके. अच्छा, ये नहीं किसी ने, बच्चे ने पूछा कि सर व्हाई नॉट 30 degree तक ही क्यों, व्हाई नॉट 50 degree या 45 degree, ये क्यों नहीं है, बताइए इसका क्या रीजन है. हमने 5 to 30 degree रेंज दी ना, व्हाई 30, व्हाई 5 degree, हम वो पढ़ के आ चुके हैं, है ना. Why 30 degree? Why not 35? Why not 40? Why not 45? कल ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है. जल्दी बताइए. नॉट फ्रिक्शन, नो ट्रेड विंड्स. व्हाई देयर आर नो ट्रेड विंड्स? गुड हरसिमरन, यू आर थिंकिंग द राइट वे, बट पॉलिश योर आंसर. वेरी गुड हरमन, वेरी गुड, दैट्स सो गुड. द आंसर इज व्हाई देयर आर नो ट्रेड विंड्स ऑन 30 degree, बिकॉज देयर इज ए हाई प्रेशर सेंटर ओवर हियर. ओके, हाई प्रेशर सेंटर आपको 30 degree पे देखने को मिलता है. तभी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट मी शो यू गाइस दैट डायग्राम, कि वहां पे सारी की सारी हवा वो बैठती है, नीचे को बैठती है. याद है ये कंसेप्ट किया था हमने. ओके, दिस वन कंसेप्ट. ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर सेंटर है, ठीक है ना, 30 degree पे. ये देखो, देख रहे हो, हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो है, ठीक है ना. तो हवा यहाँ पे बैठ जाती है, ठीक है ना. तो पहली बात है, तो यहाँ से लो टू हाई मूव, हाई टू लो मूव करेगी ना, तो हवा यहाँ से तो आ रही है, ठीक है. तो इसके कारण वश भी ये 30 degree से ऊपर नहीं जाता. सेकेंड,
important thing is why not 30? Because इसके ऊपर जो air masses हैं, air masses मतलब air के जो temperature है, ठीक है ना, वो ज्यादा high है as compared, sorry, ज्यादा ठंडा है as compared to this much air. Okay, this is another way to understand this concept. Good, up till now, any doubts, guys? Up till now, it's good. चले आगे. Good, ठीक है. अच्छा, अब आपको समझना, एक और कंसेप्ट समझना है. I think आज सब आज आपको सर ने करवाया होगा ITCZ का कंसेप्ट, करवाया था. Everyone understood that concept? Why? Now, do you mean when I say ITCZ, that means equator? Do you understand this concept? Why not? अच्छा अभी किया नहीं है, not done yet. Okay. So you should not know that it is not equal to equator. Okay. Good. Now, why is there important concept? Why we are need to understand this concept of intertropical zone of convergence or convergence zone? ठीक है ना? आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी. Let me show you that picture again. You are seeing this picture ना? ये देखो, low pressure center और ये trade winds आ रही हैं, ये move कर रही हैं. किस direction से आ रही हैं और किस direction को move कर रही हैं? We also call them as easterlies, क्योंकि east direction से आ रही हैं और west की तरफ move रही हैं. हमेशा आपको वहाँ से number लेना है, वहाँ से आपको wind का नाम करने संस्कार करना है जहाँ से वो आ रही है. तो ये east की तरफ से आ रही है और west की तरफ जा रही है, तो हमने इसका नाम दिया easterlies. इधर भी east से आ रही है और west की तरफ जा रही है, तो ये भी easterlies. ओके, तो ये ईस्टर्ली कन्वर्ज कहां पे हो रही है? लो प्रेशर सेंटर है एक, वहां पे हमने ला लिया इक्वेटोरियल लो. ओके जी, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी आपको समझना जरूरी है. व्हाट इज दैट? नाउ यू सी दिस डायग्राम. ओके, यू ऑल नो कि अर्थ में तीन जैसे ये जोन्स होते हैं, तो जितनी ज्यादा सीधी रोशनी पड़ेगी सन की, ठीक है ना, जहां पे भी पड़ेगी वो ज्यादा हीट होगा. ज्यादा हीट होगा दैट मींस ज्यादा वार्मनेस आएगी. ज्यादा वार्मनेस आएगी मींस ज्यादा लो प्रेशर सेंटर कॉज करेगा, है ना? ये तक क्लियर है ना? दैट इज व्हाई देयर इज अ लो प्रेशर सेंटर हियर, क्योंकि यहाँ पे सन जैसे जैसे आप पोलर एरियाज में जा रहे हो और सन की रे स्लांटिंग हो रही है ना, स्लांट जाती है, ये देख रहे हो, समझो. इसमें ज्यादा गर्मी होगी कि इसमें? जब सूरज आपके सिर के ऊपर होता है, आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल सर आपके सिर के ऊपर होता है 12 बजे, तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है 12 बजे के बाद, है ना? गुड. तो जैसे ही तो ये ट्रॉपिक्स में, सॉरी इक्वेटोरियल एरिया में, दैट इज इक्वेटर में ये मैक्सिमम होता है, ठीक है ना? ओके. और इसी कारणवश पोल एरियाज में ये स्लांटिंग के कारण इतनी ज्यादा इफेक्टिवली इनडायरेक्ट रेस नहीं पहुंच पाती है और ज्यादा हीटिंग नहीं होती है. दिस यू गेट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, है ना? बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑलवेज ए लो प्रेशर एरिया, नो डाउट अबाउट दैट, है ना? समझ के? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर सपोज इट इज 4 degrees Celsius इन जून, है ना? और जैसे जैसे यहाँ पे दिसंबर आएगा टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 30 हो जाएगा या 34 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा. तो एवरेज टेम्परेचर की बात कहें तो ये बन जाता है आपका कितना, 38 का टेम्परेचर, 38 टू 40 डिग्री, है ना? कल भी यही एग्जांपल दी थी मैंने आपको. तो अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे जून में टेम्परेचर होता है 40 या 45 डिग्री लगा लो, या 44 ही लगा लो चलो, और गर्मियों में हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री हो जाता है, तो सपोज इट इज 40 डिग्री, तो इसका एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्री.
ठीक है ना, ये हम कल भी बात करके आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठंडा रहता है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है ना, एवरेज टेम्परेचर वेरीज। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज इक्वेटर। अगर अगर यहाँ पे कोई टिल्ट ना होता, ठीक है ना, 23 डिग्री का टिल्ट ना होता, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगती आपको लगता है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बाहर कहां से निकल रहा है, बी पॉइंट से। जितना बाहर निकलेगा उतना ज्यादा गर्मी लगेगी यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इट हैपेंस इज दिस वे, ठीक है। अब कितना टिल्ट आ गया, 23.5 डिग्री का। नाउ टेल मी, सन इज हियर, विच पॉइंट इज मोर क्लोजर टू द सन एंड देयर बाय विल बी मोर हीटेड, ए पॉइंट, ठीक है ना, गुड, मेक सेंस, ठीक है ना। तो जैसे ही गर्मी आएगी तो व्हाट हैपन, सनलाइट आएगी तो पॉइंट ए विल बी मच मोर हीटेड एज कंपेयर टू पॉइंट्स बी एंड सी, गुड। नाउ व्हाट हंड, हाउ दिस हेल्प अस इज बेसिकली, ये याद रखना है आपको कि 23 डिग्री के ऊपर कभी भी सन नहीं जाएगा, ना ही 23 डिग्री साउथ के बाद सन जाएगा। At the maximum time, at the maximum way, the sun can go is here. Okay, done. Now, this is always a low pressure zone. There is no doubt about that. But जैसे ही ये ऊपर को जा रहा है sun, या tilting हो रही है, sun भी move करेगा. Low pressure center जो यहाँ पे था, वो भी move करेगा ऊपर की तरफ. समझ रहे हो? क्योंकि अब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है? At this point. At point A, you get this point, ठीक है ना। तो ये जो low pressure center यहाँ पे था, क्योंकि अभी यहाँ पे sun directly ऊपर नहीं है, तो ये comparatively ठंडा है। तो sun जैसे जैसे ऊपर move कर रहा है, वैसे वैसे एक line ऊपर जा रही है। हम इसको ये नहीं बोलते कि equator ऊपर चला गया, हम उसको बोलते हैं कि एक intertropical convergence zone है, ITCZ, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो लो प्रेशर सेंटर है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। अब ये जो ITCZ है, जिसके कारण ये देखो, ये ITCZ था, लेट मी शो यू, दिस वाज ITCZ, ठीक है ना, दिस वाज ITCZ, जबकि सूरज इक्वेटर पे था, ठीक है ना, सूरज इक्वेटर पे था एग्जैक्टली, तो ITCZ बट हियर, ठीक है ना। अब जैसे 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 हमारे पास गर्मियां आ रही हैं, सपोज मई जून की तरफ, अब सन ऊपर की तरफ मूव रहा है, यानी कि अर्थ टिल्ट कर रही है, ठीक है ना, सन नहीं मूव करता, अर्थ टिल्ट कर रही है। तो क्या हो रहा है, सन नहीं मूव, अब ये जो ITCZ है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसका आना बहुत जरूरी है, जब तक ये ऊपर नहीं आएगा आपका मॉनसून कभी नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ITCZ का बनना और ITCZ का नॉर्थवर्ड मूव करना, इंडिया की तरफ मूव करना, पंजाब की तरफ मूव करना, ये किस पे डिपेंड करता है, अगेन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के ऊपर। ये हम आपके सर करवाएंगे कि इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, और जैसे इसकी साउथ ब्रांच नॉर्थवर्ड मूव करती है, फिर तभी ही हमारे पास मॉनसून आ पाता है, ग्रेट। नाउ जब मैं बात कर रहा हूं कि ये लो प्रेशर सेंटर है, ये ITCZ है, इससे आप क्या समझते हैं, तो बहुत गर्मी होगी वहां पे? नो, देयर विल बी अनस्टेबल वेदर, देयर विल बी थंडर स्टॉर्म्स, देयर विल बी क्लाउडनेस, ठीक है ना, क्लाउडीनेस। तो ये चीजें आप मान के चलो कि ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट को दर्शाता है। समीर, अनस्टेबल का क्या मतलब है? जैसे अगर आपने कहीं एच पड़ा देख लिया, तो इसका मतलब स्टेबल वेदर होगा, नो क्लाउड्स होंगे, कोई क्लाउड नहीं होगा वहां पे, सनी, जैसे आपका नॉर्मल मई जून वाली गर्मी होती है, दैट इज हाई प्रेशर सेंटर, ठीक है जी, मेक सेंस, चले आगे।
good, good, good. You understand this basic concept. Now we move on further. ये ITCZ का हम रोल पढ़ेंगे आगे जाके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका. ओके, तो चलो इसी को डिस्कस कर रहे थे ना, ITCZ. लेट मी डिस्कस दिस वन. दिस इज ITCZ, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ ITCZ, ठीक है ना. आप यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लुक एट हियर एंड हियर एंड लुक एट हियर, सी पॉइंट, ठीक है ना. ए और बी पानी के ऊपर है और जो सी पॉइंट है वो किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर, ठीक है. ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में कहा पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, वाटर ना तो जल्दी ठंडा होता है ना फिर जल्दी गर्म होता है, ठीक है ना, ये पढ़ा था. तो क्योंकि अब ये बी पॉइंट जो है या ए पॉइंट है ये वाटर के ऊपर है, ये क्या लो प्रेशर सेंटर है ना, ITCZ की मूवमेंट बता रहा हूं. लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस. दिस इज द मूवमेंट ऑफ ITCZ नॉर्थ एंड साउथ. मेक सेंस गाइस, देख पा रहे हो, पहले तो आपको देख पा रहे हो कि ये सबसे ज्यादा नॉर्थवर्ड मूव करता है. व्हाई? बिकॉज़ वहां पे लैंड सरफेस ज्यादा है, लैंड सरफेस ज्यादा, इसके कारण ये लाइन नॉर्थवर्ड ज्यादा मूव करती है, ठीक है. अभी उबड़ खाबड़ क्यों है, बिकॉज बीच में वाटर आ जाता है, ठीक है जी. जब वाटर आ जाता है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, उसको ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, ठीक है ना. तो इसके कारण बस ये नीचे रहता है, ये ए इक्वेटर है. दिस इज 0 डिग्री, दिस 3 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23 डिग्री साउथ, ठीक है. पहले तो हमने पाया कि ये लैंड डिफरेंस है, क्योंकि लैंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, इसके कारण ये ज्यादा ऊपर जाता है, ठीक है. ITCZ मूव्स मोर नॉर्थवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में क्योंकि लैंड कम है इसके कारण ये सिर्फ मात्र 20 डिग्री नीचे ही जा पाता है. गुड, मेक सेंस. नंबर वन डिफरेंस. नंबर टू डिफरेंस हमने पढ़ा कि जहां पे वाटर है, जहां जहां पे भी ओशन है, वहां वहां पे ये बहुत कम मूव होता है इक्वेटर से, ठीक है जी. गुड, ओके, यहां तक समय लगा बच्चों. अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये वाली मूवमेंट बताइए. देखो ITCZ इन जुलाई, ये जुलाई में अपने पीक में पहुंच रही होती है, ठीक है. तो अगर जुलाई में ये सबसे ऊपर पहुंचती है तो मई में आपके हिसाब से कहां पे होनी चाहिए, अप्रैल और मई में अभी के टाइम पे ये कहां पे होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी, शुड नॉट बी बी समवेयर हियर और हियर. मेक सेंस, यहां तक समय लगी. गुड, गुड, वेरी गुड. जब मैं बोल रहा हूं कि ये यहां पे है तो अब समय लग रहा है व्हाई देयर आर चक्रवात्स इन मई एंड अप्रैल के टाइम पे, ठीक है. गुड, यहां तक समय लग गया. तो एक बार चक्रवात आते हैं इंडिया में मई या अप्रैल के टाइम पे, और दूसरे आते हैं अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पे. मेक सेंस गाइस, लगा समझ. अब ये आप बोलो सर वापस क्या ये क्या दो बार आएंगे. यस, दो बार आएंगे. व्हाई? लॉजिकल सेंस. ITCZ ऊपर जाएगी तो ऊपर थोड़ा रहेगी, है ना. ये तो जून जुलाई में है, जुलाई के बाद ये पीक पे होती है और जुलाई के बाद ये नीचे आनी स्टार्ट होती है. गुड, नीचे आनी स्टार्ट होती है. तो ये जब नीचे आएगी तो आते आते वक्त इसको बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून. याद होगा आपको रीट्रीटिंग मानसून के बारे में, जो सेकंड वेव आती है मानसून की, नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है ना. तो ये जब वापस आ रहा होता है लो, वापस ये ऊपर जाके वापस आता है तो दोबारा आएंगे. लो प्रेशर सेंटर फिर से बनेगा, लो प्रेशर सेंटर जब बनेगा फिर से चक्रवात बनेगा, फिर से ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं. तो कब आते हैं ये? अक्टूबर और नवंबर. मेक सेंस गाइस, जब हमारे यहाँ पे सर्दियां आने वाली होती है. गुड, अप टिल नाउ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. बताइए
चलो गुड. इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट मी पुल बैक द स्लाइड अगेन. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव सेड कि सॉरी व्हाई वी हैव सेड दैट. एक तो ये बात समय लगी होगी, नॉर्मली इतना किलोमीटर पर आर के पर डे के हिसाब से चलते हैं, इतना डिस्टेंस पर डे कवर करते हैं, ठीक है जी. ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द एशियंस इन ट्रॉपिकल एरिया इन द लेट समर्स. नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. आइदर अर्ली आते हैं या लेट समर्स में आते हैं, ओके. तो हमने यहाँ पे जून जुलाई में देखने को नहीं मिलेगा कोई चक्करवात, यही हमने आप आज भी बात कही है, समझ रहे. यहाँ पे जब हमने बात कही है कि यहाँ तो आपको अर्ली में दिखेगा या लेट में दिखेगा, समर में, बीच समर में नहीं दिखेगा. ऐसा क्यों भाई? पहली बात, वाटर का स्पेसिफिक हाइट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई होती है, वाटर को गर्म होने के लिए टाइम लगता है. तो जब आपके पास जुलाई आ रखा होता है तो अभी पानी गर्म हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक है ना. तो जैसे जैसे ये एक दो महीने लगते हैं इसको पानी को गर्म होने में, स्पेसिफिक हीट एनर्जी बनने में, ठीक है जी. और जब उसका वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है तो ये नंबर वन रिक्वायरमेंट बन जाती है आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए. गुड, ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा हुआ है, ठीक है जी. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नंबर एक पे रिक्वायरमेंट है इतना टेम्परेचर होना चाहिए, 26 से 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है. ये मान के चलना है कि ये सी सरफेस टेम्परेचर है, हम ओवरऑल टेम्परेचर की बात नहीं करिए, सिर्फ सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री के ऊपर. ये नंबर वन रिक्वायरमेंट है. अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं फुल हो रही है तो आपका चक्रवात कभी किसी हालत में नहीं बनने वाला. सेकेंड थिंग, इसी के बीच में ये जो 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर है ये कम से कम आपको इतनी गहराई तक मिलना चाहिए, 60 से 70 मीटर की गहराई में मिलना चाहिए. डन. 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर 50 से 60 या 50 से 70 मीटर की गहराई तक आपको मिलना चाहिए, ठीक है. गुड, मेक सेंस. ये एक कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है जी. और दूसरी बात, ये हम लेटर सीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी अभी के लिए रहने दो इसको, हम आगे जाके इसको मैं करवाऊंगा आपको. नाउ एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में, व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म मोस्टली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन, बताइए. व्हाई वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन. Did you guys do La Nina and El Nino? याद है जब आपने सर ने करवाया होगा कि सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में गर्म पानी भर जाता है, ओशन वाटर करंट वार्म हो जाता है, समझ रहे हो, मेक सेंस. तब आपको सर ने करवाया होगा कि गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे, ड्रॉट हो जाती है, फायर हो जाता है, इस तरफ दूसरा पानी ठंडा पानी इकट्ठा हो जाता है पेरू की तरफ, है ना. तो वहां पे अच्छी मछलियां होती हैं, है ना, नॉर्मल सीजन्स में ये चीजें होती हैं, मेक सेंस. यहाँ पे ज्यादा ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे नॉर्मल टाइम के टाइम, है ना, ऑस्ट्रेलिया में. सेम टू सेम थिंग हैपेंस विद साइक्लोन्स एज वेल, ठीक है ना. आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो लेट मी शो यू द डायग्राम. तो व्हाट हैपेंस इज हाँ, ये जो ITCZ है ये किस तरफ को बह रही है आपको सामने, याद है हमने यहाँ पे बात कही थी कि एक ITCZ है तो यहां से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, यहां से ट्रेड विंड्स आ रही हैं. ये कौन सी ट्रेड विंड्स थी जो ITCZ को फॉर्म कर रही थी, ईस्टरलीज, ठीक है ना, ईस्टरलीज.
याद है, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही थी, चाहे वो नॉर्थ की डायरेक्शन से, चाहे वो साउथ की डायरेक्शन से। जब मैं बोल रहा हूँ कि ITCZ मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन, ये हवाएं भी मूव कर रही हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ईस्ट से आ रही है, वेस्ट की जा रही है। तो ये सारा पानी गर्म कहाँ कर इकट्ठा कर रही है? वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर, वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर। मेक सेंस गाइस? सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ITCZ के मूवमेंट के कारण, वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर, ठीक है। गुड, मेक सेंस? और गाइस, लगा समझ? अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा, सर ये तो बात आपने ठीक बोली है, लेकिन हमने तो कहीं पढ़ा था कि भाई बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आता है चक्रवात, अरेबियन सी में कम आते हैं। अरे भैया, हमें इंडियन ओशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन ओशन की। ओके, तो इंडियन ओशन का एक वेस्टर्न मार्जिन होगा, एक ईस्टर्न मार्जिन होगा, समझ रहे मेरी बात? तो ये जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी, ये वेस्टर्न मार्जिन में आएगा, ठीक है ना, इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड की तरफ आएगा, नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड। यू विल, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये फोटो देखो ध्यान से, किस तरफ ये इंडियन ओशन है ना, किस तरफ ज्यादा आ रहा है, ये देखो इधर आ रहा है ज्यादा, इधर आ रहा है ज्यादा। डू वी फाइंड चक्रवात हियर? दिस इज विच पार्ट? ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे नहीं चक्रवात हो रहा है। और देखो पैसिफिक ओशन है, दिस शुड हैव बीन ईस्टर्न पार्ट, बट ये अगर आप दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे क्या है, दूसरी तरफ साइड में, अगेन समझो वेस्टर्न पार्ट की तरफ आ रहा है, कंपैरेटिवली दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। गाइस मेकिंग सेंस? अभी तक लगा समझ एवरीवन? गुड, चलिए। तो ये मैं यही बताना चाहता था कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि ट्रेड विंड्स इस तरफ को मूव कर रही हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर ज्यादा आपके चक्रवात आएंगे, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर सेंटर ज्यादा क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, वार्म मोशन करंट्स के कारण, ठीक है ना। वार्म मोशन करंट्स होंगे, पानी ऑलरेडी गर्म होगा, पानी जल्दी गर्म होगा, पानी जल्दी गर्म होने से ज्यादा चक्रवात आएंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन राइजेस, व्हाई आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन वेरी हियर ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स? तो आपको सर ने अभी करवाना है, आई डोंट नो कि करवाया है कि नहीं करवाया है, लेकिन आपको ये चीज जरूर पता होगी कि साउथ अमेरिका में कोल्ड करंट होता है, ठीक है। ये किस तरफ है? ये ईस्टर्न साइड की तरफ है, ये ईस्टर्न साइड है इसकी, ठीक है ना। वेस्टर्न साइड कौन सी थी? ये वाली। ईस्टर्न साइड कौन सी मानते हम? ये वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है। गुड, अब ध्यान से देखो, ना तो यहाँ पे कोई चक्रवात है, ना कोई यहाँ पे चक्रवात है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न मार्जिन में सारे आपके कोल्ड करंट्स देखने को मिलेंगे आपको, कोल्ड करंट्स। गाइस ओके विद दिस अप टिल नाउ? जहां जहां पे कोल्ड करंट्स आएंगे, यस, पेरू करंट, बेंगुएला करंट, ठीक है ना, दीज करंट्स आर कोल्ड करंट्स। तो जहां जहां पे कोल्ड करंट्स आएंगे, वो तो वहां पर हाई प्रेशर सेंटर बन जाएगा, तो वो कभी भी आपका नहीं बन सकता है क्या, चक्रवात वहां पे। डन, ये दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे, ठीक है। ओनली एक्सेप्शनल केस इज व्हेन देयर इज एल नीनो, जब कंडीशंस का रिवर्सल हो जाएगा, व्हेन देयर विल बी एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, जब ये कंसेप्ट आएगा तब हमारा कंसेप्ट चेंज हो सकता है। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स, स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स अकर ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक। नाउ यू गेट इट व्हाई? क्योंकि रिवर्सल ऑफ द ट्रेड विंड्स, रिवर्सल ऑफ द करंट्स, रिवर्सल ऑफ द सारी कंडीशंस जो नॉर्मल कंडीशन पे होती थी, उसका रिवर्स होता है। ये कब होता है? व्हेन देयर इज वार्म वाटर एक्यूमुलेशन ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक ड्यू टू वीक वॉकर्स। ये समय लगा अभी बेटा? लेट मी क्लियर दिस अप एंड यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ इट। गुड, अप टिल नाउ? तो अभी तक जो हमने एल नीनो पढ़ा, ला नीना पढ़ा, तो ये आपका फर्दर कंसेप्ट है, ये उसको कंसेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। और क्या जरूरी है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट हमने पढ़ा
क्या होना चाहिए लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए. दिस इज नंबर कंडीशन नंबर वन. सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कोरियोलिस फोर्स. अगेन ये अब मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं. व्हाई साइक्लोन्स अकर मोस्टली इन द लेट समर्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस आंसर ऑलरेडी. ITCZ इसका आंसर है और कैसे है वो हम पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है ना, गुड अप टिल नाउ. ये देखो, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओशन वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अटेन्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन अगस्त. ठीक है जी, तो अगस्त में बनने स्टार्ट शुरू होते हैं, डिप्रेशन की तरह से शुरू होते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आता है, एकदम से आपका साइक्लोन नहीं बन जाता इसको, इट विल टेक 15-20-25 डेज, है ना. तो सितंबर अक्टूबर आ जाता है आपका बनते बनते तक आराम से. गुड, चलिए. एंड व्हाई डू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वी ऑलरेडी डिड दैट. Take a screenshot of it. Let me clear this up. You can take a screenshot of it. Okay. Now moving further. Number third requirement is low level disturbance. और ये जितनी भी requirement बोल रहा हूँ, जितने भी factors हमने discuss कर रहे हैं, they all are very important. ठीक है जी. तो next is low level disturbance. That is ITCZ. ठीक है जी. तो कुछ ना कुछ लो लेवल की डिस्टरबेंस होनी चाहिए. अगर वहां पे हाई लेवल होगा या किसी कारण वहां पे हाई प्रेशर सेंटर डेवलप हो रहा है तो ये कभी हेलो. गुड, तो वो लाइट चली गई थी तो इसके कारण आपको डिस्टर्बेंस आ रही है. तो हमने बात कही कि ईस्टरली वेव ऑफ डिस्टर्बेंस जब आएगी, ठीक है ना, ये कौन सी है, ITCZ जैसे एक होना जरूरी है हमारे पास. ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लो लेवल डिप्रेशन है तो उस लो लेवल डिप्रेशन का एक हाई लेवल ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट होना बहुत इजी है. जब मैं बोल रहा हूँ डिप्रेशन या ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, लेट मी शो यू व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है, इट इज स्टिल लोडिंग, वेट. ये दिख पा रहा है आपको, दिस इज ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, दिस इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन, दिस इज ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड दिस इज एंटी साइक्लोन, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन फुल फ्लेज मैच्योर स्टेज. डिफरेंस पता चल रहा है, लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे चार पांच क्लाउड दिख रहे हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस माना जाता है उसको. ठीक है ना, अभी चक्रवात नहीं बना. अब आप धीरे धीरे देखोगे इससे इधर का डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा. ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलेंगे, अभी चक्रवात नहीं बना. चक्रवात की आंख होती है, सबसे उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और आपको दिखाऊंगा अभी, पर आंख नहीं बनी अभी, है ना. तो आपको अभी दिख रहा है कि धीरे धीरे कर्व होना स्टार्ट हो गया. एवरीवन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एवरीवन हेलो.
ओके, तो ये धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो गया। अब आप जब ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, ठीक है, अब जब मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब एक अभी आंख नहीं बनी, देखो ठीक है ना, आंख नहीं बनी, लेकिन ये और गहरा होता जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और जब ये बात आ गई, ये देखो हरिकेन बोलते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, वन एंड द सेम थिंग होती है। अब आपको यहाँ पे एक आंख देखने को मिलेगी, एक बीच में गैप सा देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल आई, ठीक है ना, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई। आई का मतलब एक खाली जगह होगी बीच में, ठीक है ना। तो जब ये देखने को मिल जाती है तो आप उस चीज को क्लासिफाई करते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन। गुड, ये समय लगा, बहुत महीन सा अंतर है, लेकिन यू शुड नो दिस थिंग। ओके, अप टिल नाउ क्लियर? चलिए चलिए फिर हम आगे चलते हैं। वी हैव डिस्कस दिस थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस अगर होएगी या डिप्रेशन होगा तो वो आगे कन्वर्ट हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये होना जरूरी है। लो लेवल डिस्टर्बेंस बोलते हैं उसको, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5, ठीक है। देयर शुड बी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस, ठीक है ना। जैसे हमने अभी यहां पे पढ़ा कि ITCZ ऊपर नीचे मूव करती है, ITCZ का मतलब इक्वेटर ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा, जो सीजनल विंड्स है वो नीचे ऊपर मूव कर रही है, ठीक है ना। तो सपोज जो नीचे से आ रही थी, साउथ डायरेक्शन से ईस्टर्ली विंड आ रही थी, वो टेम्परेचर पे है 30 डिग्री के, और ऊपर वाली टेम्परेचर पे है 45 डिग्री पे, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर गर्मी ज्यादा है, ठीक है। जितना इन दोनों एयर मासेस में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, दो एयर मासेस में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा तीव्रता से ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा। गुड, मेक सेंस? तो जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूं या इंटर ट्रॉपिकल जोन ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। देखो ये जो हवा अंदर को आ रही थी, दिस वन, ये जो अंदर को हवा आ रही थी, ये एक लाइन पे आ रही थी, उस लाइन का नाम था ITCZ, ये लिखा हुआ ना ITCZ। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हवा भी तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, सोचो, है ना। तो इन दोनों में जो नॉर्थ से आ रही है, सपोज ये 45 डिग्री पे है और 19 डिग्री पे है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इनका, दोनों एयर मासेस का, जो एयर है, जो एक पर्टिकुलर एरिया की एयर है, इन दोनों में एयर मासेस में जितना डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा अच्छे से साइक्लोन। गुड गाइस, अप टिल नाउ ओके? कोई ऐसी चीज जो समझ ना लगी हो बताइए। गुड, ओके, फिर हम चलते हैं ना। नंबर 5th थिंग इज विंड शेयर, और विंड शेयर भी कौन सा? वर्टिकल विंड शेयर। व्हाट इज विंड शेयर? शेयर, आपको शेयरिंग फोर्स पता होती है, जैसे ये एक चीज है और ये एक चीज है, अगर ये इधर चले जाए और नीचे वाली इधर चले जाए, ठीक है ना, दिस इज शेयर फोर्स, ठीक है। तो एक चीज पे शेयर फोर्स भी लग सकती है, जैसे ये फोन है और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ को, दूसरी तरफ से मैं नीचे को फोर्स लगा रहा हूं, तो आई एम, इसकी पर कौन सी फोर्स? अब ठीक है, हेलो, ओके, गुड। तो ये वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, आप मेरे को बताइए। अगर वर्टिकल विंड शेयर होगा, यानी वर्टिकल विंड शेयर का क्या मतलब है कि अगर एक चक्रवात है, ठीक है ना, ठीक है, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू, ठीक है ना, क्या चक्रवात है। तो पहले क्या होगा,
पहले जैसे ये गर्म हो रही है हवा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी मॉइस्चर के साथ वहां वहां पे बादल बनने शुरू होएंगे, बादल बनेंगे ठीक है, फिर वो एक सर्कुलर वे में घूमना स्टार्ट होएंगे अराउंड एक कॉमर लो प्रेशर सेंटर, है ना ठीक है। तो जैसे जैसे ये बन रहे हैं अभी, है ना, वी थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे जैसे ये चक्रवात बन रहे हैं, हाँ वर्टिकल वेंचर है ना, अब आपने देखा होगा, काफी बार ऑब्जर्व किया होगा और कल भी आपने देखा होगा। अब मेरे को बताओ कि जब बहुत ज्यादा हवा चलती है ना और बादल भी बहुत गहरे हैं, आपने देखा कि बारिश होने वाली है, इतने काले बादल हैं, कहते हैं कि जब बादलों में जब बहुत ज्यादा हवा तेज हो रही होती है ना तो वो बादल बरसते नहीं है। देखा होगा आपने, मुहावरा भी सुना होगा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है ना, सुना है ना। तो आप यही आप इसको सुन, यही आप दिमाग में रखो, जितना ज्यादा देखो दो तरह से हवा चल रही है, एक तो नीचे को तरफ नीचे से चल रही है, लो प्रेशर सेंटर है वो हवा ऊपर लेके जा रहा है ठीक है ना, और ऊपर जाके हवा फैल रही है चारों तरफ, है ना, लो प्रेशर सेंटर है, यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, ये भी लो प्रेशर सेंटर है बीच में, है ना ओके, यहाँ से वो हवा जा रही है ठीक है ना। अप टिल नाउ इट्स क्लियर। ओके सोचो, तो यहाँ पे विंड की कोई और स्पीड होएगी, यहाँ पे विंड की कोई और स्पीड होएगी, है ना। सपोज वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सबसे ऊपर जो ऊपर की हवा है जो बादल बना रही है, जो बादल बना रही है, अगर वो बहुत तेज है, बहुत तेज हवा, तो क्या होगा, जो बादल बनेंगे वो हवा उड़ा ले जाएगी, समझ रहे हो, जो बादल बनेंगे वो हवा उड़ा ले जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या चक्रवात बनेगा वहां पे? नहीं, क्योंकि चक्रवात बनने से सबसे पहला रीजन है या सबसे पहला इंपैक्ट है उसका क्लाउड फॉर्मेशन में। जब क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है तो कोई चक्रवात नहीं बनेगा, वो डिप्रेशन का डिप्रेशन रह जाएगा ठीक है। तो चक्रवात बनने के लिए पांचवी सबसे जरूरी चीज है कि वर्टिकल विंड शियर का ना होना ठीक है। नाम ही डिफरेंट है, बात की समझ आपको लग गई है, कंसेप्ट समझ लग गया, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश की लैंग्वेज में वर्टिकल विंड शियर। तो लैक ऑफ वर्टिकल विंड शियर, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू एयर मासेस ठीक है। इससे पहले हमने और चीज पढ़ी है, कौन कौन सी चीज पढ़ी है हमने, ये लो लेवल डिस्टरबेंस, उससे पहले हमने पढ़ा है कोरियोलिस फोर्स, और उससे पहले हमने पढ़ा है टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर। ये पांच चीजें याद कर लो, ये बहुत जरूरी है आपके चक्रवात के होने के लिए। गुड, चलिए, तो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर नेसेसरी ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन शुड क्रीप इनटू योर माइंड, दैट इज व्हाई देयर आर वेरी फ्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। यानी कि जुलाई टू सितंबर, ये होता नॉर्मली आपका रेनी सीजन, हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें। एवरीवन एग्रीज विद मी? ठीक है ना, तो जुलाई टू समर, लेकिन जुलाई टू सितंबर के महीने में कभी भी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एरिया में। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज साउथ वेस्ट मॉनसून, जो सरफेस विंड्स आ रही हैं और वो इतना ज्यादा वर्टिकल विंड शियर क्रिएट करती हैं, वो बादलों को उड़ा के ले जाती हैं। याद है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आपको सर ने करवाया होगा आज, या नॉर्थ वेस्ट मानसून के बारे में करवाया होगा आज ठीक है ना। तो ये एक्चुअली सीजनल विंड पैटर्न्स ही हैं। तो जितने ज्यादा ये जितना ज्यादा तीव्रता से आएगा, जितना ज्यादा तीव्रता से ये साउथ वेस्ट मानसून हवाएं लेके आएगा, उतना ज्यादा कम आपका जुलाई से सितंबर में क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा वर्टिकल विंड शियर होगा, और उसके कारण देयर विल बी नो साइक्लोन डेवलप। गुड।
बाकी ये भी करवाया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, पढ़ के देख लेना, ठीक है? अगर नहीं समझ लगे तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। सेम चीज है, लेस टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि हवा उसके बदल उड़ा के ले जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अपर एयर डिस्टर्बेंस भी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब भी ऐसे समझो, देखो हमने कहा कि हवा जब लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो जैसे ये लो प्रेशर सेंटर नीचे क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होगा, ठीक है, तो अंदर को हवा खींची जाएगी, है ना। अब जो अंदर को हवा खींची जा रही है, ऊपर कहीं तो जा रही होगी ना, सपोज यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू होगी, एक 15-10-12 किलोमीटर ऊपर जाके यहाँ पे इकट्ठी शुरू होगी, तो यहाँ पे हवा इकट्ठी हो रही है, मतलब कट्ठा कट्ठा कट्ठा, तो ये पहाड़ सा नहीं बन रहा आपको यहाँ पे लग रहा है ना, ये पहाड़ सा बन जाएगा हवा का, ठीक है ना। जब ये पहाड़ सा बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रिज। रिज मतलब कोई उभार सा, ये पहाड़ नहीं बन रहा यहाँ पे, लेकिन हवा इस तरह से ऊपर फैल जाती है, तो आपको यहाँ पे पता लगता होगा कि ये हाई प्रेशर पे है ना, मतलब लो प्रेशर के ऊपर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और हाई प्रेशर अगर यहाँ पे है तो कहीं पे तो लो प्रेशर ऊपर होगा, या जहां पे नीचे हाई प्रेशर है, समझ रहे हो? अब ध्यान से मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से। What happens is, let me show you very clearly. What happens is, हमेशा याद रखना, जो चक्रवात है ये पानी के ऊपर ही बनेंगे, कभी भी लैंड के ऊपर नहीं बन सकते हैं, ये तो सबको पता है ना, हमेशा यहाँ पे बनेंगे। और ये मूव किसकी तरफ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, लैंड की तरफ, लैंड की तरफ, लैंड की तरफ, दिख रहा है? लैंड में ऐसा क्या कुछ पड़ा हुआ है जो ये उसकी तरफ भाग रहे हैं? खुद सोचो, दिमाग लगा के, क्योंकि जो मोस्टली लैंड है दे वुड बी हाई प्रेशर सेंटर्स, गुड, क्योंकि ये कहाँ पे, ये अफ्रीका ना, सहारन डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट कैसे बनाओ, हाई डे टाइम टेम्परेचर्स, ठीक है ना, वार्म डे टाइम टेम्परेचर्स यहाँ पे है, हाई प्रेशर सेल बन गया। नेचुरली इसकी किसकी तरफ खींच बननी चाहिए थी, अब ये उठ के इसकी तरफ तो आ नहीं सकता, यही बेचारा इसकी तरफ भागेगा, ठीक है, तो जैसे लो टू हाई ये कर रहा है, ये लो टू हाई मूव कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, आप ऊपर देखो, हाई प्रेशर सेल, हवा, ये हवा किसकी तरफ फेंक रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर सेल है हाई के ऊपर, और ये फिर लो प्रेशर हाई, लग रहा समझ पूरा चक्कर आपको, गुड। तो अपर एयर डिस्टर्बेंस इसी तरह से क्रिएट होती है, अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, गुड गाइस, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और शुड आई अगेन एक्सप्लेन, कर दो एक्सप्लेन, बड़ी सिंपल सी बात है यार। देखो आप बोल रहे हो सर यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ, बिल्कुल सही बात है, लो प्रेशर सेंटर का क्या मतलब है, हवा ऊपर जा रही है कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना, तो जब ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ देखो, थ्री डिमेंशनल सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे हाई प्रेशर सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर सेंटर है, ठीक है ना, सरफेस पे, तो ये इधर उठ के नहीं जा सकता एंटी साइक्लोन, तो ये इधर आ रहा है, ठीक है ना, इसको पकड़ने के लिए आ रहा है, खींचने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर ये हाई प्रेशर सेंटर नीचे है तो इसके ऊपर लो प्रेशर सेंटर होगा, और ये यहाँ पे जाएगा, गुड, मेक सेंस, हवा अपर लेवल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, अप टू नाउ इट्स क्लियर। अच्छा ये बता देता हूँ आपको मैं, वी हैव डन दिस, ओके, तो अपर एयर डिस्टर्बेंस, सॉरी सिक्स्थ फैक्टर इज अपर एयर डिस्टर्बेंस, छह फैक्टर है आपके पास, छठा फैक्टर इज अपर एयर डिस्टर्बेंस भी आपके पास होनी चाहिए, ओके, इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस देयर विल बी नो। अब ये देखो दिख रहा है ऊपर, ये देखो ये हीट टेम्परेचर है, 27 डिग्री टेम्परेचर है, ओके, लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, हाँ, व्हाई देयर विल बी लो प्रेशर सेंटर,
ज्यादा इंसुलेशन होएगी, ठीक है ना, तो ज्यादा वार्म एयर वहां पे बैठ रही है, ठीक है ना। बट सर अफ्रीका में गर्मी ज्यादा होगी। अफ्रीका इस बहुत बड़ा कंट्री है ना, उसके साथ आप, यही तो मैं बता रहा हूं आपको, तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नॉट एवरी थिंग इन अफ्रीका, अफ्रीका इज द ओनली कंट्री, यहाँ पे उसके आ रहा है इक्वेटर और उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, जो इसी से पास करके जा रहा है। तो दिट डजंट मीन कि ये इसके राउंड ही घूमेगा, हाई प्रेशर सेंटर यहाँ पे बन जाएगा और इसकी तरफ ही घूमेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई नॉर्मली जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स होंगे दे विल बी नॉर्मली हाई प्रेशर सेंटर्स, ओके गुड, जनरल से बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिर तो यहाँ पे तो बारिश ही आती जाएगी। अगर लो यहाँ पे सेंटर होगा, खुद सोचो लो सेंटर में अभी तक हमने पढ़ा है कि जहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होएगा वहां पे बारिश होती है, सिंपल सी बात है। तभी तो हमने ITCZ यहाँ पे देखा कि जहां जहां से ITCZ होएगी वहां वहां पे मॉनसून होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पर उसको खींचने के लिए हाई सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए हाई सेंटर अपनी तरफ खींचता है उसको अपनी तरफ, तो ये ही होता है चीज। Are you getting this point, Shivam? That's a good question, but this is the answer. If it have been a low pressure center over here, much of the rainfall would have been here. Okay, that's why there is no low pressure center over here. Good. So we have covered mostly the things for today. Let me check. अच्छा ये देखो, ये 27 डिग्री पे है तो ये हीट एंड मॉइस्चर ऊपर जाके क्या बना रहा है, बदल बादल बना रहा है, ठीक है ना। अभी एक एक सेंटर नहीं बना है हमारे पास, लेकिन ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं अभी, है ना, ट्रॉपिकल डिप्रेशन है। और ये लाइट विंड्स देखो, अगर यहाँ पे हाई विंड्स होती, अपर ट्रोपोस्फेयर में हायर विंड्स होती, तो ये सारे के सारे बादल उड़ा के ले जाती, देयर वुड हैव बीन नो ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो लाइट विंड होनी चाहिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल शेयर शुड बी लेस। ओके, नाउ वी हैव डन दिस। अच्छा ये डिफरेंस पता कर लो, एक क्या है क्या होता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन हम कब बोलते हैं, जबकि जो वहां पे स्पीड होती है विंड की, वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई नीचे की हवा बह रही है, विल से ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जैसे कल यहाँ पे बह रही थी, ठीक है। अगर वो 63 किलोमीटर से ज्यादा है और 119 किलोमीटर से कम है, ठीक है ना, उनकी तीव्रता हवा की, तो हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है। और अगर ये साइक्लोन कब बोलेंगे, ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम तब बोलते हैं जब 119 किलोमीटर पर आर की तीव्रता से, जब उसके ऊपर 19 से ऊपर मतलब 120 130 140 के ऊपर जब जा रहे हैं हम हवा, तब हम उसको बोलेंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ओके गुड, जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, तो ये हमने ये वाली पिक्चर भी पढ़ी थी कि उसमें एक अंदर से क्या बन जाएगा, आंख बन जाएगी उसकी, छोटी सी, है ना, आंख बन जाएगी, जिसके अराउंड लो प्रेशर सेंटर के अराउंड सारे का सारा घूमेगा ये, है ना। डिड वी डू दैट, ना, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं ना, तो ये भी कर लिया हमने। अच्छा अर्ली स्टेज में क्या होगा, अब होता क्या है बेसिकली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। वार्म ओशन करंट होगा, और ज्यादा मॉइस्चर आएगा, और ज्यादा पानी ऊपर जाएगा, वेपोरेशन होएगी, ज्यादा वेपोरेशन होएगी तो कंडेंसेशन होएगी, और कंडेंसेशन होके आपका बादल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एवरीवन अप टिल नाउ इट इज गुड, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कैसे बन गया, ये गोल गोल सा कैसे बन गया, है ना, एंड व्हाई यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर गया, है ना, ठीक है ना। तो यहां से देखो, ये जो बीच वाला एरिया ना, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये जो ऊपर वाला, आप अगर ऊपर से देख रहे हो तूफान को, अगर मैं यहां से फोटो खींच रहा हूं इसकी, तो मेरे को यहाँ पे एक गोला सा दिखाई देगा, ठीक है ना, बिल्कुल गोला सा। लेट मी शो इफ आई हैव दैट पिक्चर विद मी, आई डोंट हैव दैट पिक्चर, ओके। एनीवेज ये चक्करवात आपको पता ना कैसे दिखते हैं ऊपर से, इस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये है इसकी आई, आई का मतलब होता है यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होगा, यहाँ पे सनी एरिया होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, सनी एरिया होगा,
यहाँ पे कोई हवा नहीं होगी, हाई यहाँ पे कोई मतलब बादल नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस। नाउ व्हाट हैपेंस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। लेट मी ड्रॉ एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, व्हाट हैपेंस इज, यस यहाँ पे लो सेंटर क्रिएट हो गया, दिस इज वाटर, ठीक है। यहाँ पे लो सेंटर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठंडी हवा है कि गर्म हवा है ये बताइए, गर्म हवा है, ठीक है ना। अब इस, क्योंकि हवा यहां से चले गई है, तो इसको, इस गैप को कन्वर्ट करने के लिए ठंडी हवा यहां से आ रही है, ठीक है ना। दोनों तरफ से ठंडी हवा आ रही है गैप को फिल अप करने के लिए, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, वेपर की फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, ये समझ लग गया। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो गैस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बताइए, लिक्विड में। डू यू गेट दिस पॉइंट। अब मेरे को बताओ, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, जब गैस से कोई चीज सेम फॉर्म में लिक्विड में जा रही है, वाटर ही है ना, वाटर में गैस टू लिक्विड जा रहा है, तो एक हीट बाहर निकलेगी, उस हीट का क्या नाम है, लेटेंट हीट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ गई ना साइंस, आ गई फिजिक्स काम में। तो जैसे गैस से आप कन्वर्ट होते हो लिक्विड में, तो ये कन्वर्ट होती है लेटेंट, मतलब छुपी हुई हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का क्या मतलब है, खुद से समझो। सपोज ये जो पहला ऊपर गया मतलब बादल, वो यहाँ पे बादल बना दिया उसने। लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज, ठीक है, एंड दिस इज योर अपवर्ड रेस मूविंग लो प्रेशर सेंटर, ठीक है, दिस इज मूविंग अपवर्ड्स। क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा था, तो ये बादल यहीं पे बना देगा, ठीक है। तो ये सपोज बादल यहां पे, सॉरी, ये बादल यहां पे बना रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये यहां पे पहुंचा, ये ट्रोपोस्फियर है, और कोई भी बादल ट्रोपोस्फियर के ऊपर नॉर्मली जो क्लूमोलुमिनस क्लाउड होते हैं ऊपर नहीं जाते हैं, तो ऊपर जाके ये किस तरफ को घूमेंगे, इस तरफ को घूमना शुरू कर देंगे, टी बना देंगे एक तरह की, ठीक है। गुड गाइस, अप टिल नाउ इट्स क्लियर। अब देखो, जब दूसरी परी क्लाउड बनेगा, एक दूसरी लेयर बनेगी, खुद सोचो। अब ये जो पानी इन्होंने सॉरी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन छोड़ी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि जो ये वेपर्स थे उसके अंदर हीट थी, वो हीट बाहर निकल गई, वो ठंडे होके क्या बन गए, कंडेंस होके वाटर वेपर में क्लाउड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। जो हीट यहाँ पे छोड़ी है इन्होंने, वो किसको फ्यूल करेगी और लो कर देगी इस टेम्परेचर को, इस प्रेशर को, सॉरी, है ना, समझ रहे हो, और लो करती रहेगी और मॉइस्चर उठाती रहेगी और मॉइस्चर उठाती रहेगी, तो जो ये बादल है वो आगे जाके फिर यहाँ पे ऊपर उठेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर उठेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर उठेंगे, यहाँ पे ऊपर उठेंगे, यहाँ पे ऊपर उठेंगे, यहाँ पे ऊपर उठेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, समझ रहे हो, यहाँ पे भी बादल बन जाएंगे, यहाँ पे भी बादल बन जाएंगे, यहाँ पे भी बादल बन जाएंगे। तो ये लेयर 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 कंसेप्ट समझ के, अगर आप ऊपर से देखोगे आपको, तो ये लेयर वाइज दिखेगा, एक गोला, जैसे ऑनियन की पील होती है ना, ऑनियन लेयर की लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, है ना, उसी तरह से लेयर वाइज कन्वर्ट हो रहा है। ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पे लो सेंटर को और नीचे करती रहती है। ये जो है साइक्लोन है, इसका जो डायमीटर है वो 200-250 किलोमीटर तक बन जाता है, दायरा इसका 200-250 किलोमीटर,
समझ रहे हो कितना बड़ा हो जाता है. लेट मी शो यू पिक्चर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, क्यों ये ऊपर जा रहा है और जैसे ऊपर जा रहा फिर ये नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे बारिश होएगी सबसे पहले. सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम हियर. तो जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये सारे का सारा चक्रवात मेरी तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बारिश होएगी, थोड़ी थोड़ी सी हवा आनी शुरू होगी. जैसे आप दूसरी लेयर में जाते हो और ठंडी हवा शुरू हो जाएगी और ज्यादा बारिश शुरू हो जाएगी. जैसे ही आप, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली अंदर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं आई वॉल. हमेशा याद रखना इसका नाम है आई वॉल. आई का कौन सा मतलब है, ये आई है. आई वॉल का मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसकी, दिस मच, ये वाली आई वॉल. जैसे जैसे आप आई वॉल के पास आते हो विंड्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, रेन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान आपको आई वॉल पहुंचाती है. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. तीनों एरियाज में, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, उतने बादल ही है. ठीक है ना, सबसे बाहर होते हैं सीरस क्लाउड्स, फिर क्लूमो निम्बस क्लाउड्स, फिर क्लूमो एक और होते हैं कोलोमो कोलंबस क्लाउड्स कुछ होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट. इफ यू कैन सी क्लियरली, दिस इज द पिक्चर आई एम ट्राइंग टू शो यू. ठीक है, दिख रहे, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड सबसे ऊपर वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक ना, सीरस क्लाउड्स, फिर कुमुलस क्लाउड्स होते हैं, फिर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, लास्ट वाले होते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, सॉरी. ये सबसे ज्यादा आई वाल के अंदर होते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर होती है और सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा नुकसान ये वाले कॉज करते हैं. दिस यू शुड नो. ओके, अप टिल नाउ इट्स ओके. समय लग रहा है, गुड अप टिल नाउ? इट्स इजी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? गुड, यू अंडरस्टैंड दैट आवर जॉब टुडे इज डन ऑलमोस्ट. ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको ये रेन बैंड, स्पाइरल बैंड्स के बारे में समझ लगा होगा. अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मेरे को चक्रवात लेयर्स की तरह दिखेगा. एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इस तरह से. ठीक है ना, समझ रहे, डन. अच्छा, अब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो आपको स्टडी करना है. अच्छा, ये रेन बैंड्स कौन से सबसे ज्यादा रेनफॉल करेंगे? क्लूमलो निम्बस क्लाउड्स. सबसे ज्यादा देर तक जैसे हम करते हैं कि दो दिन से बारिश ही हो रही है, तो वो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो करते हैं. ठीक है ना, और कुमुलस क्लाउड्स हैं वो बहुत कम बारिश करते हैं. ठीक है ना, तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बारिश कौन करते हैं बादल, तो कुमुलो निम्बस क्लाउड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? ए आई वॉल में पाए जाते हैं. ठीक है, चलिए अब आपको ये समझना है व्हाट इज ए पाथ ऑफ साइक्लोन. हमने पता लग गया कि साइक्लोन कैसे बनता है और साइक्लोन कैसे प्रोग्रेस करता है. ठीक है जी, अब हमें पता चलना चाहिए कि साइक्लोन किस तरह से मूव करता है. तो मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि पैराबोलिक पाथ होता है. पैराबोलिक पथ का मतलब होता है, ये देखो, ये चक्रवात है पैराबोलॉन. जैसे अगर मैंने कोई बॉल फेंकी यहां से यहां तक, पैराबोला, सीधी नहीं जाएगी, पैराबोला में जाएगी, ऊपर से होके यहाँ जाएगी, यहाँ से होके यहाँ जाएगी. ठीक है ना, वैसी तरह ही यहाँ से चक्रवात शुरू हुआ है तो ये इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, तीनों जगह से. ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि वो जो साइक्लोन है वो कितना तीव्रता से आ रहा है. ठीक है जी, तो इसको समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड. तो लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस. सबसे ज्यादा ये पाथ को कौन डिनोट करता है, कैसे पता चलता है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरफ को मुड़ेगा या कहाँ पे लैंडफॉल करेगा? लैंडफॉल का मतलब है जब ये कोस्ट से अब लैंड की तरफ आ जाता है. अच्छा, मेरी बात सुनो, हमने कहा कि यहाँ पे आई होती है और यहाँ पे
लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आती है और उसको फ्यूल करता है ना। जैसे ये लैंड की तरफ आएगा, इसकी तीव्रता में क्या असर देखने को मिलेगा आपको, और ज्यादा तेज हो जाएगा या कम हो जाएगी, बताइए मेरे को। जैसे ही ये लैंड की तरफ आएगा, व्हाई इट स्लोस? स्लो क्यों आएगी? फ्रिक्शन ऑब्स्टेकल? नो, दिस इज देयर आर सेकेंडरी रीजंस। द प्राइम रीजन इज मॉइस्चर। किसी भी चीज को, मतलब साइक्लोन को, सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए? नेसेसरी मॉइस्चर। अगर उसका मॉइस्चर का आप काम खत्म कर देते हो तो वो विद इन वन डे या टू डे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये लैंडफॉल करता है, ये लैंड पे आता है, तो इसका जो मॉइस्चर है वो बंद हो जाता है। जैसे मॉइस्चर बंद हुआ, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का जो जो उसको फ्यूल कर रही थी, जो उसको आग दे रही थी, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी, ये चक्रवात जो घूम रहा है धीरे 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 वीक पड़ जाएगा और बादल जो होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लगा समझ बेटा? ओके, तो मॉइस्चर प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल इन फ्यूलिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, तो जैसे आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ये तो आपको बताया क्यों करेंगे, क्योंकि उसी तरफ वेस्टर्न साइक्लोन्स है, सॉरी उसी तरफ वेस्टर्न ईस्टर्ली विंड्स जा रही है वेस्ट की तरफ, उसी तरफ वार्म एरिया करंट है, तो उसी तरफ आपका साइक्लोन्स मूव करेंगे। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। जैसे ही ये अब 20 डिग्री तक पहुंचते हैं लैटिट्यूड में, तो ये कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करती है। खुद सोचो, यहाँ पे अगर कोई आ रहा है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इंडिया की तरफ आ रहा है, या अगर यहाँ पे बात करते हैं, लेट मी क्लियर द अदर थिंग्स ऑल अराउंड, यहाँ पे कोई चक्रवात शुरू हुआ, ठीक है ना, 5 डिग्री पे, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 20 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, अब क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स इसको घुमाना शुरू करेगी, ठीक है ना। तो ये अगर तमिलनाडु की तरफ जाता 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 ये किस तरफ पहुंच जाएगा, आंध्र प्रदेश की तरफ, उड़ीसा की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ, लग रहा समझ, इधर इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, इधर इधर ऊपर की तरफ, गुड। जैसे जैसे 20 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, और ज्यादा ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इस तरफ घुमा रहा है उसको, गुड। यहां तक क्लियर बेटा? तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन चेक दिस आउट। ओके, आई हैव डन दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाई देयर आर ओनली फ्यूअर साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी एज कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि लो प्रेशर सेल जो बे ऑफ बंगाल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म है, वार्म टेम्परेचर वहां पे ज्यादा है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। तो ये बात समझ लग रही है आपको, ठीक है। नंबर वन रीजन समझ लग गया, जितना ज्यादा वार्म होगा उतना ज्यादा आपका सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा जो चक्रवात है उसकी तीव्रता ज्यादा आएगी, नंबर वन थी। ओके, नंबर टू थी, आपने एक बात और पढ़ी होगी, वेपर प्रेशर वीपी। नाउ व्हाट हैपेंस इज जो अरेबियन सी है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, जो अरेबियन सी है दैट इज कंपैरेटिवली हाईली सलाइन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे गंगा भी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा भी आ रही है, ब्राग भी आ रही है, और सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आ रही हैं यहाँ पे, हम जितनी भी पढ़ के आए थे, दे ऑल कैरी फ्रेश वाटर। ओके, मेक सेंस?
फ्रेश वाटर, ठीक है। ये जो फ्रेश वाटर होता है जब ये पानी के अंदर जाता है, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज ये फ्रेश वाटर इधर ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा एवेपोरेशन होती है, ज्यादा एवेपोरेशन होगी दैट मीन्स ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे और ज्यादा तीव्रता से ज्यादा आपके पास साइक्लोन्स इस बे ऑफ बंगाल में आएंगे। जब जैसे जैसे एक अरेबियन सी में सैलिनिटी बढ़ती है, जैसे सलाइन वाटर होएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो अपर लेयर्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिक्रीज्ड। जितना सलाइन वाटर होगा उतना ज्यादा, यहाँ पे अराउंड 35 होती है यहाँ पे, या 30 के अराउंड होती है ppm, ठीक है ना, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी का भी बहुत ज्यादा एक रीजन रहता है, जितना ज्यादा मतलब सरफेस लेयर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होएगी उतना ज्यादा वो लेस एवेपोरेशन करेगा, लेस एवेपोरेशन विल कॉज लेस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, लेस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल लीड टू लेस फॉर्मेशन चांसेस ऑफ साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। Now, the question comes, these are two major reasons why Bay of Bengal is the prime reason for formation of tropical cyclones and why अगर पांच चक्रवात आते हैं इंडिया में तो चार यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे आते हैं, तो चार रेशियो एक में आते हैं। लेकिन recently, this thing we have scientists have observed is climate change. Now what happens is, ठीक है, what happens is there are more tendency of Arabian cyclones as compared to Bay of Bengal cyclones. इसका reason, one of the major reason is, ये cold होता था ना, अब ये warm होना शुरू हो गया, yes, warm होना शुरू हो गया है ना। Why the temperature has increased? Everything in effect can affect this thing. It can be ANSO, ठीक है, ANSO के कारण, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के कारण, ठीक है, वीक वाकर सर्कुलेशन के कारण, ठीक है, वार्म करंट के जहां पे आने के कारण, ठीक है, हाई प्रेशर सेल डेवलप होने के कारण, कितने रीजन भी बना लो यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए हो ना, ये सारे रीजंस आर वैलिड। गाइस आर यू गुड अप टिल नाउ, यहां तक समझ लगी? ये तब आपको समय लग रहा है बिकॉज यू हैव डन ANSO, यू नो व्हाट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, यू शुड नो, लग गई समय ना, इंडियन ओशन डाइपोल के कारण नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो इसको बढ़ावा मिलेगा, और अगर एल नीनो है तब इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ये समय लग गया बेटा सब कुछ, ओके अप टिल नाउ, चले आगे। दिस इज समथिंग अबाउट योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, एंड द कंडीशंस दे फॉर्म, ठीक है ना, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दे आर फॉर्मड इन। अरेबियन सी हैज हाई सैलिनिटी, ये भी बता दिया आपको, वेपर प्रेशर का भी बता दिया, हायर वेपर प्रेशर मींस हायर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एवेपोरेशन, ठीक है, ये भी बता दिया हमने, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जस्ट चेंजिंग सैलिनिटी, चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, these all are responsible for formation of cyclones in Bay of Bengal, okay yaar ye humne baatein discuss ki, monsoon winds drive away moisture in the Arabian Sea, aapko pata hoga moisture is acha ye humne baat mein discuss ki, good, this is also important, okay, what happens is what happens is which are more continuous, eastern ghats or western ghats, eastern ghats or western ghats, good,
ठीक है ना, तो मॉइस्चर सारा ये अंदर ले आती हैं यहाँ पे, ठीक है, और फ्रेश वाटर सारा ड्रेन कहाँ कर देती हैं, यहाँ पे त्रिंबकेश्वर से कौन सी आ रही, गोदावरी, महाबलेश्वर से कौन सी आ रही, कृष्णा, ठीक है, बिंबिकेश्वर से कौन सी आ रही, भीमा, ये सारी जो फ्रेश वाटर है वो ड्रेन कहाँ कर रही है, ईस्टर्न साइड की तरफ, ये आया कहाँ से पानी, सारा वेस्टर्न साइड की तरफ, तो नेचुरली देयर इज इंक्रीज इन सैलिनिटी हियर एंड डिक्रीज इन सैलिनिटी हियर, सिंपल एज दैट, ओके। चलिए आगे चलते हैं, बस लास्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन स्केल, ये स्क्रीन शॉट ले लो, अगर इतनी है तो कैटेगरी वन मानते हैं, कैटेगरी टू मानते हैं, थ्री फोर फाइव तक हमने क्लासीफाई करते हैं, इससे ज्यादा हम करते नहीं, तो कैटेगरी फाइव हरिकेन्स के बारे में हम मानते हैं। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पे करनी डिस्कस रह गई है, वो ये है, ये वाली पे इन हरिकेन बोल दो, विलीज बोल दो, साइक्लोन बोल दो, टाइफून बोल दो, दे ऑल आर द सेम नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके। यूजली जब ये इंडिया या अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में, सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका में बनता है तो हम उसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये जापान के राउंड और रशिया के राउंड और चाइना के वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन के राउंड बनता है, ठीक है ना, वी कॉल दैट एज टाइफून, टाइफून, ओके। जब ये ऑस्ट्रेलिया के राउंड बनता है तो हम उसको विली विलीज बोलते हैं। जब ये अटलांटिक महासागर में बनता है, अंद महासागर में, तो हम उसको हरिकेन्स बोलते हैं। गुड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। Everything good up till now? This sums up our class on tropical cyclone. One thing we have left is this. First we do this. तो ये हमने बात कही है कि इंडिया में हम किस किस को क्लासीफाई करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, वेव की हाइट से क्लासीफाई करते हैं। अगर 14 meters से अबव की वेव है तो हम उसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म किसको बोलते हैं। जस्ट ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन, जस्ट एक बार दो बार देख लेना इसको, ठीक है, नथिंग एल्स, नथिंग यू नीड टू नो अबाउट दैट, ठीक है। ये डिप्रेशन है या डीप डिप्रेशन है तो हम उसको एडवाइज करते हैं कि आप खुले सागर में नहा जाइए, फिशरमैन को, ये डू रीड दिस, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, नथिंग इसमें याद करने वाला कोई चीज बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जस्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच के रख लो और अपने पास देख सकते हो, कभी आंसर में आप यूज कर सकते हो उसको, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इफ यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है ना, ये देखो जहां जहां पे रेड एरियाज हैं वहां पे कैटेगरी फाइव स्टॉर्म्स आते हैं, तो मोस्टली सदर्न आंध्र प्रदेश इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली यहीं पे बनते हैं और ये नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ तमिलनाडु से होता होता सीधा आंध्र प्रदेश में चले जाता है, तो आंध्र प्रदेश इज ए डिस्ट्रिक्ट दैट इज वेरी मच पर, एंड उड़ीसा आल्सो, सम पार्ट्स ऑफ सदर्न उड़ीसा आल्सो, दे आर वेरी ग्रेट रिस्क ऑफ रिसीविंग स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाई, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू फाइंड आउट एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास व्हाई इट इज सो, ओके। This is your question, this is your homework, okay? Now, moving further, this, you just take this screenshot of this. ये आपके answer writing में help करेगा GS mains के, okay? ये क्या है? ये 4 stage Indian Meteorological Department का warning system है. जब भी tropical cyclone कोई develop होता है, Bay of Bengal में या Arabian Sea में, तो इस तरह से उसकी color coding की जाती है, ठीक है ना? Pre-cyclone watch क्या होता है कि depression का कितना है या डिप्रेशन मूव हो रहा है कि नहीं मूव हो रहा है, एक दिन में चेतावनी दी जाती है एक बार में, ठीक है ना। साइक्लोन अलर्ट होता है, इसको कोड येलो बोलते हैं, इसमें क्या चेंजेस आती है देख लेना, कोड ऑरेंज क्या बोलते हैं इसको देख लेना, कोड रेड क्या मतलब होता है इसको देख लेना, जस्ट यू नीड टू रीड इट, दिस इज फ्रॉम माई साइड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं, यू नीड नोट, याद नहीं करना है ये, मतलब आपके पास होना चाहिए, कभी आप यूज कर सकते हो इस चीज को, ओके, इन द आंसर राइटिंग एज वेल, ओके। सो दिस सम्स अप आवर क्लास ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके, एंड हाउ दे आर चेंजिंग, दे हैव बीन चेंज्ड इन द क्लाइमेट चेंज, ओके। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर स्टार्ट करेंगे. वी विल डिस्कस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एंड कन्वेंशंस एंड एक्ट एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. ओके ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑन मंडे. बीच में जो थोड़ा टाइम है, आपका टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, काफी बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सिलेबस आज अपलोड कर दिया है, ठीक है. फिर भी कोई दिक्कत होगी तो यू कैन कॉल मी. एवरीवन ओके, आर यू अप फॉर द टेस्ट और नॉट? टेस्ट आपका इकट्ठा होगा बेटा. पॉलिटी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, अभी मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर से डाल रहा हूँ, ठीक है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. मैथ तो होगा ही होगा साथ में, है ना, उसमें तो कोई बात नहीं है ना. कोई आपको समझ रहा, कोई ऑप्शन नहीं मतलब शिवम? व्हाट डू यू मीन टू से कोई ऑप्शन नहीं है? गॉड इज सेल्फ चॉइस. यस बेटा, ये देना ही पड़ेगा. इफ यू वांट, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा आपको असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब यार. सिर्फ गैजेटेड पोस्ट 120 बंदे होंगे आपके अंडर, ठीक है. इफ यू वांट कि भाई आपकी भी आपको अंडर स्कॉर्पियो मिले और आपके अंदर पूछताछ हो और आपके अंदर 120 बंदे काम करें, तो यू वांट, यू हैव टू स्ट्रगल दिस मच. टेस्ट है आपका बेटा आज 7 तारीख है. 11-12 को बोला था मैंने, आई विल अपडेट यू 2 days बिफोर जब भी टेस्ट देना होगा, या तो 10 को या आपको 11 को नोटिफिकेशन मिल जाएगी टेस्ट की. ओके, यू कैन गिव द टेस्ट ऑन 2 days, फॉर 2 days यू कैन गिव द टेस्ट. बार बार मत देना. कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा बीच में किसी कारणवश बंद हो गया, ठीक है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं आपको. आप दोबारा से लॉग इन करो और जहां से आपका टेस्ट खराब खत्म हुआ होगा या बंद हुआ होगा वहां से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है. डन, तैयारी रखना. टेस्ट विल बी गुड. ओके, टेस्ट विल बी रियली गुड. ओके, अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूपीएससी. और ये क्वेश्चंस बहुत जगह से ढूंढ के लाता हूं मैं, ठीक है. इट टेक्स रियली लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू सर्च दोस क्वेश्चंस सो दैट यू विल गेट डाइवर्स. आपको दोबारा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके चलिए बेटा. ओके, वही वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको डाले थे ना लास्ट टाइम, अगर आपने दिए होंगे, ठीक है ना. अगर इफ यू हैव अटेम्प्टेड द लास्ट एग्जाम ऑफ क्वालिटी, वही घुमाएंगे, वहीं से उतना ही ज्यादा घुमा सकते हैं आपको, इससे ज्यादा यूपीएससी में नहीं घुमाएंगे आप, ठीक है ना. उतना पढ़ लेना और वही आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, देख लें. ओके, 8 slides शो करना. विच वन? आई एम शोइंग यू द स्लाइड्स. ओके, विच वन यू वांट मी टू रिपीट? दिस वन. ओके, सो सी यू गाइस ऑन मंडे. ओके, बाय गाइस.